मैं कुशल नड्डा सोशल वर्कर हूँ। आज मधु अरोड़ा जी की तरफ से डांडिया का आयोजन किया गया और मुझे यहाँ पे आज चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी मधु जी को, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और हमारे देश के कल्चर का कोई जवाब ही नहीं है। आयोजन का पीछे यही मकसद है कि सभी लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं और फिर हम लोग अपने देश की परंपरा को भी आगे बढ़ाते हैं। और जैसे गुजरात में डांडिया बहुत फेमस है, लेकिन हमने अपने यूपी में इसका डांडिया को इतना ज्यादा डांडिया हुआ, कैसे लग रहा है गुजरात का डांडिया कम पड़ गया और हमारे यूपी में डांडिया बहुत सारा हुआ। और आज बहुत सारे लोग आए हैं, सभी से मिलना जुलना हुआ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह से आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि हम ऐसे ही अपना एंजॉय करते हैं। जी मेरा नाम कोमल है और मैंने ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी मधु अरोड़ा मैम जी को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया ये गरबा ज्वाइन करने का। गरबा एक मस्ती है, फन है और सबसे खास बात हम लोग का इतना अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम लेडीज को अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता है, तो हम लोग को इतना अच्छा वक्त मिला एंजॉय करने का। मतलब मैं कह नहीं सकती, मैं मतलब अभी नहीं हूँ आगरा में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगी कि हर साल इसी तरह मैम ऑर्गेनाइज करती रहे ये फंक्शन और हर साल मैं आऊँ और बाकी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करूंगी। प्लीज में बहुत ज्यादा गुजराती तो वही जान है गरबा की और उसके बिना तो कुछ नहीं है, तो मतलब समझ लीजिए गुजरात इससे आगे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो गुजरात का धमाल तो होता ही है, लेकिन अब आगरा में गुजरात आ गया तो फिर डबल धमाल हो गया। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम मधु अरोड़ा है और आज यहाँ सारी लेडीज के लिए मैंने डांडिया ऑर्गेनाइज किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और सब लोग यहाँ बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं मैं देख रही हूँ। बस मैं यही चाहूंगी सब लोग आगे ऐसे प्यार देते रहे। देखिये कारण तो कुछ भी कारण बस यही है कि हम सब लोग अपनी दिनचर्याओं में इतनी बिजी रहते हैं कि अपने लिए हम 2-3 घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं, तो एक ऐसा मौका आता है जब हम अपने लिए 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बस यही है। तो डांडिया में एक मस्ती है, एनर्जी है, अदरवाइज वैसे हम घूमने फिरने चले जाते हैं, खाना पीना खा जाते हैं, बट इसमें एक एनर्जी है, हम लोग डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, भूल जाते हैं सब चीजें। मैं चाहूंगी कि मैं हर वर्ष ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूँ, आज मैंने इतनी भीड़ इकट्ठी की है, मैं अगले साल और भीड़ इकट्ठी करूँ और सब लोगों को खूब फन कराऊँ। थैंक यू। मैं रानी सिंह सोशल वर्कर और पंजाबी सभा और रंगला पंजाब की प्रेसिडेंट, स्त्री सिंह सभा की फाउंडर प्रेसिडेंट। आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स की जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया और इतनी रौनक, इतना यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। ये भारतीय परंपरा हमारी, जैसे ही नवरात्रि आती है तो ये डांडिया की धूम सारे देश में हो जाती, तो वही धूम आज आगरा में भी है और लगता है कि सारे आगरा का हुस्न और टैलेंट यहीं पे आके इकट्ठा हो गया। तो आज मैं ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस डांडिया में मुझे भी अपना हिस्सा डालने का मौका मिला और इससे पता लगता है कि जब सब इकट्ठे होते हैं